सर आज आप इमरान खान को सर एनआरओ देंगे या इमरान खान आपको एनआरओ देंगे? हम उन्हें देंगे। अच्छा ये बताएं कि और हमारे लीडर हैं, अपने लीडर से पूरे इत्मीनान के साथ जा रहे हैं कि अपने लीडर से इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। सर आपको सर एक मिनट रही साहब ये बताएं कि इससे पहले मुख्तलिफ पीटीआई के अरकान गिरफ्तार होते रहे नैब में भी मुख्तलिफ हवाले से, लेकिन इस तरह का कभी भी नहीं हुआ जिस तरह अब की बार हो रहा है। ये तो पीटीआई की रिवायत नहीं थी कि वो तो कहते थे इमरान खान साहब के जाएं जाके भुगते। अब हम समझते हैं कि ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, मेरिट नहीं है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हैं और यही आज दरख्वास्त लेके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास जा रहे हैं। सर अगर आज आपको इमरान खान की तरफ से एनआरओ नहीं मिला तो आप उसके खिलाफ हज्जात करेंगे? हम कोई एनआरओ लेने नहीं जा रहे, हम इंसाफ लेने जा रहे हैं। तो अच्छा पहले जो गिरफ्तार हुए थे इमरान खान साहब या सफदान साहब उस वक्त इंसाफ हो रहा था? देखिए जहांगीर तरीन साहब हमारे मरकजी लीडर है, अच्छा क्या खान साहब ब्लैकमेल हो जाएंगे? तो जो मनी लॉन्ड्रिंग केस हैं तो उन पे तो ये ब्लैकमेल ही होंगे ना? नहीं ये बताएं तार भी ये बताएं कि जब पीटीआई के बाकी अरकान गिरफ्तार हुए तो किसी किस्म का इस तरह का मजमा नहीं लगाया गया, अब की बार ऐसा क्यों है? नहीं हमने उस बार भी बात की है जब सुल्तान खान हुआ या अलीम खान हुआ वो उनके साथ आ जाए नहीं, लेकिन उन्होंने उन्होंने तो फेस किया उस बात का।